अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.7 करनी है। एक्सरसाइज नंबर 6.7 हमने फाइंड आउट करना है क्यूब फाइंड करना है इसमें। तो क्यूब का क्या मतलब है? सपोज हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है, 3 गिवन है, 3 का क्यूब अगर हमें फाइंड करना हो तो उसका क्या मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27। तो ये क्या होगा? क्यूब ऑफ 3। इसी तरह से 2 का क्यूब क्या लिखते हैं हम? 8 लिखते हैं। 4 का क्यूब क्या लिखा जाता है? 4 × 4 = 4/4/4 = 16 × 16 = 64। तो अब इन्हीं चीजों को हमें फार्मूलाज की मदद से सॉल्व करना है। अगर हमारे पास दो नंबर्स गिवन हो तो हम उसका क्यूब किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो अगर हम फार्मूले की मदद से वैल्यूज को सॉल्व करें तो उससे भी हमारा जो आंसर है वो यही है। इसमें जो फार्मूला है क्यूब के लिए वो हम क्या यूज करते हैं? अगर हमारे पास प्लस में वैल्यू गिवन हो तो हम फार्मूला यूज करेंगे a + b होल क्यूब। किसके इक्वल किया जाता है? a³ + b³ + 3ab (a+b)। हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। और ये वैल्यू जो है ए क्यूब के बाद भी लिखी जा सकती है और बी क्यूब को हम लास्ट में लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमें माइनस में वैल्यू गिवन हो तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? a⁻³ = a³ - b³ - 3ab (a-b)। अब ए बी क्या है? जो भी हमें वैल्यू गिवन होगी उसमें दो टर्म्स होंगी और उनके सेंटर में या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। तो उसमें जो फर्स्ट टर्म होगी वैल्यू में उसको हम ए का नाम दे देंगे और जो सेकंड टर्म होगी उसको बी का नाम दे देंगे। और उसको हम अगर सेंटर में प्लस साइन है तो इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर लेंगे और अगर माइनस साइन है तो इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन करके देखते हैं किस तरह से होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट वैल्यू है हमारे पास x + 4। इसका हमें क्या फाइंड करना है? क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे इसको सॉल्यूशन में? इसका क्यूब लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इसका क्यूब ले लेंगे x + 4 होल क्यूब। अब x + 4 होल क्यूब इसमें हम देखें सेंटर में प्लस साइन है तो फर्स्ट फार्मूला जो था हमारे पास ये हो सकता है। इसमें फर्स्ट फार्मूला क्या है हमारे पास? फर्स्ट फार्मूला इज a + b होल क्यूब। तो मींस के x हमारे पास किसके इक्वल आ गया वैल्यू में? a के इक्वल। और 4 किसके इक्वल आ गया? b के इक्वल। तो ये a + b होल क्यूब फॉर्म बन गई। हम इसको क्या लिख सकते हैं? a³ क्या है? a³ मींस x³ + b³ b³ मींस 4³ + 3ab प्लस का साइन फार्मूले का 3। a क्या है हमारे पास? x के इक्वल है। और b क्या है? 4 के इक्वल (a+b)। a+b क्या है? यहां पे आप वैल्यूज लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? x है। और b की वैल्यू क्या है? 4 है। इसको आप सॉल्व कर लें ये क्या आ जाएगा आपके पास? x³ + 4³ क्या आता है? 64। प्लस इन्हें मल्टीप्लाई करें 3 के x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। 3 मतलब 3। 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 = 12। अब ये जो 12x आया है इस 12x को हम क्या करेंगे? इस x + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास? x³ + 64 + 12 = 12x² ऐड हो जाएगी। x की पावर x में ऐड हो जाएगी 12x² + 12 = 48x। इसको आप x की पावर के लिहाज से अरेंज कर दें तो ये क्या आएगा आपके पास? x³ + 12x² + 48x + 64। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से जितने भी प्रश्न में क्वेश्चन गिवन होंगे उनमें हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में वैल्यू हमारे पास गिवन है 5x - 1। इसका हमें क्यूब लेना है तो
5x minus 1 whole cube लिखेंगे, 5x minus 1 whole cube. अब इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a minus b whole cube. a क्या है हमारे पास 5x के इक्वल, minus b क्या है हमारे पास 1 के इक्वल, तो ये आ गया a minus b whole cube form. तो इसको हम इस फार्मूले के लिहाज से बोल लेते हैं, ये क्या है आपके पास a cube minus b cube माइनस 3ab इनटू a माइनस b. तो इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं, a क्यूब 5x होल क्यूब माइनस 1 होल क्यूब माइनस 3, a क्या है आपके पास 5x, b क्या है आपके पास 1 इनटू a माइनस b 5x माइनस 1. ये वैल्यूज क्या हो रही हैं, सेंटर में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रही है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 क्यूब क्या आएगा 25, 25, 5 जा 125, x का भी एक क्यूब होगा तो x की पावर यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचा 3 आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 5 3 जा 15, 15 1 जा 15x. पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यू आप एज इट इज लिख लें 5x माइनस 1. अब इसको आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 125x cube minus 1 minus 15 5 जा 75x minus minus plus हो जाएगा 15 1 जा 15x. यहां पे ये x की पावर 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x में ऐड हो गया कि 75x के आ जाएगा. इसको आप रेंज कर दें पावर के लिहाज से, 125x cube minus 75x square प्लस 15x माइनस 1, ये आपका आंसर होगा. 1 के साथ माइनस जो इससे पहले है, 75 के साथ माइनस जो उस वैल्यू से पहले है, तो हर वैल्यू से पहले वाला जो साइन है वो उस वैल्यू का कंसीडर किया जाता है. इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट. तो 7th पार्ट क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें वैल्यू है आपके पास 2m प्लस 3n. ठीक है, इसका आपने क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्या लेंगे, 2m प्लस 3n होल क्यूब फार्मूला अप्लाई करें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a. a क्या है 2m, b क्या है 3n इनटू a प्लस b 2m प्लस 3n. इसको आगे मल्टीप्लाई करें, 2 का क्यूब क्या आएगा आपके पास 8, m क्यूब प्लस 3 क्यूब 3 3 9 9 3 27, n क्यूब प्लस 3 2 6 6 3 18, mn इनटू 2m प्लस 3n. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या आएगा आपके पास 8m क्यूब प्लस 27 m क्यूब प्लस 18 2 36. m की पावर n में ऐड हो जाएगी तो ये m स्क्वायर बन जाएगा, n एज इट इज आ गया, प्लस 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 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है 3 8 24 54 m n स्क्वायर, m की पावर n में ऐड हो जाएगी. इसको आप m की पावर के लिहाज से अरेंज कर लें, ये क्या आएगा आपके पास 8 m क्यूब प्लस 36 m स्क्वायर n प्लस 54 m n स्क्वायर प्लस 27 m क्यूब. ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का 1 का 7th पार्ट का आंसर होगा. इसी तरह से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट. 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 4 - 3a. 4 - 3a, इसका हमने क्या लेना है क्यूब. 4 - 3a होल क्यूब. अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये a माइनस b होल क्यूब. तो a आपके पास 4 आ गया और b आपके पास क्या आ गया माइनस 3a. तो इसका क्यूब है, इसको आप क्यूब के फार्मूले से
ओपन कर लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूले के लिए आसान है, इसको लिख लिया पहले, अब इसे सॉल्व करें। फोर क्यू क्या होगा, फोर फोर का सिक्सटीन, सिक्सटी फोर का सिक्सटी फोर माइनस ट्वेंटी सेवन ए क्यू माइनस फोर थ्री जार ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जार थर्टी सिक्स, ये साथ ए एस डी आ जाएगा इंटू फोर माइनस थ्री ए। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर ले पहले, सिक्सटी फोर माइनस ट्वेंटी सेवन ए क्यू माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, थर्टी सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करें, सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर, फोर थ्री जार ट्वेल्व और टू फोर्टीन, तो ये क्या आता है आपके पास वन फोर्टी फोर ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थर्टी सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करें, थ्री सिक्स एटीन, एट वन टेन, थ्री थ्री जो नाइन वन टेन, तो ये आएगा आपके पास वन जीरो एट ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, पहले हमने कॉन्स्टेंट लिखा है, तो अगर आप ए की पावर के लिहाज से चेंज करेंगे तो फिर क्यूब वाली पहले लिखेंगे, फिर स्क्वायर वाली, फिर ए वाली, और फिर उसके बाद लास्ट में कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू में ए पहले गिवन होता तो यहाँ पे स्टार्ट में ए की हाईएस्ट पावर आती तो फिर हम इसको अरेंज कर देते, लेकिन यहाँ पे चूंकि कांस्टेंट पहले हमें गिवन है तो हमें इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये ए वाली वैल्यू पहले लिखें, फिर ए स्क्वायर वाली और फिर लास्ट में क्यूब वाली वैल्यू लिखें, तो भी ठीक है। ठीक है जी, यानी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 64 माइनस 144a प्लस 108 a स्क्वायर माइनस 27 a क्यूब, ये आंसर भी हमारा ठीक होगा। इसके बाद है जी आपका क्वेश्चन नंबर वन का नाइन्थ इलेवेंथ पार्ट। इलेवेंथ पार्ट में हमें वैल्यू क्या दी है, इसमें हमारे पास क्या लिखा है, 4x माइनस 2y, इसको हमें सॉल्व करना है, इसका क्यूब लेना है, तो 4x माइनस 2y होल क्यूब, ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूले के लिहाज से वैल्यू हमने पहले ली थी, अब इसका आप क्यूब ले लें, फोर फोर था सिक्सटीन, सिक्सटी फोर था सिक्सटी फोर एक्स क्यूब माइनस एट वाई क्यूब माइनस फोर थ्री था ट्वेल्व, ट्वेल्व टू था ट्वेंटी फोर एक्स वाई इंटू फोर एक्स माइनस टू वाई। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें आपस में, क्या आएगा सिक्सटी फोर एक्स क्यूब माइनस एट वाई क्यूब, ये एच टू जा जाएंगे माइनस, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, फोर फोर था सिक्सटीन, फोर टू था एटीन वन नाइन एक्स वाई माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी फोर टू था फोर्टी एट, ये आपके पास पहले आएगा एक्स स्केयर वाई, और ये क्या आएगा एक्स वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई स्केयर। इसको आप एक्स की पावर के लिहाज से अरेंज कर दें, सिक्सटी फोर एक्स क्यूब माइनस नाइन्टी सिक्स एक्स स्केयर वाई प्लस 48 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई क्यूब, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट्स किए। इसके बाद आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर टू में हमें वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन नंबर टू में एक पार्ट है इसका, थोड़ी सी वैल्यू की टाइप चेंज कर दी गई है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड जो है वो वही है जो पहले हमने किया है। इसमें हमें वैल्यू गिवन है x प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू एट, ये हमें वैल्यू गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब की, ये हमने वैल्यू है वो फाइंड करनी है। हम क्या करते हैं, जो हमें वैल्यू गिवन है एक्स प्लस वन ओवर एक्स की, हम इसको फर्स्ट का नाम दे देते हैं, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट का क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑफ वन ऑन बोथ साइड्स,
बोथ साइड्स पर हम क्या करते हैं इसका क्यूब ले लेते हैं। तो ये क्या आएगा आपके पास x प्लस वन ओवर x होल क्यूब इक्वल्स टू 8 होल क्यूब। इसको फॉर्मूले के यहां से ओपन करें क्या है वैल्यू a प्लस b होल क्यूब। अब इसमें a क्या आ गया आपके पास x और b क्या आ गया आपके पास 1 बाय x। तो a प्लस b होल क्यूब फॉर्म इसमें लगा दें यहां पे। ये क्या आएगा आपके पास a क्यूब मींस x क्यूब प्लस b क्यूब में क्या आ जाएगा 1 by x whole cube plus formula का 3 a b into a plus b x plus 1 by x। यानी ये जो formula था हमारे पास a cube plus b cube plus 3 a b into a plus b इसके according हमने ये values नीचे लिख दी। अब 8 का cube देखिए क्या आता है 8 cube means 8 by 8 by 8 तो 8 8 का क्या होता है 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 8 4 जा 32, 8 6 जा 48 एंड 3 51। तो ये आपके पास आता है 512। ये आ गया 8 क्यूब। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x by x आ जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर है x plus 1 over x, x plus 1 over x की वैल्यू हमें 8 दी हुई है तो हम यहाँ x plus 1 over x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या आएगा x cube plus 1 का cube 1 ही होता है over x cube। तो ये इसकी पावर किस से मल्टीप्लाई होती है 1 by x cube बन जाएगा plus 3 into इसकी जगह पे क्या आएगा 8 equals to 512। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें पहले यह आएगा आपके पास x cube plus 1 over x cube equals to plus 8 चीज़ा 24 equals to 512। ये वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है इसको आप इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ जाके माइनस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x cube plus 1 over x cube equals to 512 minus 24। इसको माइनस कर दें यहाँ से हम कर देंगे 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ 0 आ जाएगा यहाँ से करके 10 में से 2 माइनस करें 8 या जाएगा 4। ये आपका आंसर होगा ठीक है। ये हमारे पास आ गई x plus 1 over x cube की x cube plus 1 over x cube की वैल्यू। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू गिवन है माइनस में गिवन है हमें वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में x minus 1 over x equals to 3। हमने फाइंड क्या करना है हमने वैल्यू फाइंड करनी है x cube minus 1 over x cube। तो अब इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा इसमें हमारा माइनस वाला फार्मूला यूज होगा a cube minus b cube। को हम क्या करते हैं पहले इसको फर्स्ट का नाम देते हैं वैल्यू गिवन x minus 1 over x को और इसका क्यूब लेते हैं टेकिंग क्यूब ऑफ 1 ऑन बोथ साइड्स। इसका बोथ साइड्स पे आप क्यूब ले लें ये क्या है हमारे पास x माइनस 1 ओवर x होल क्यूब इक्वल्स टू किसके इक्वल है ये 3 के 3 क्यूब। इसे ओपन कर लें फार्मूले की मदद से। इसको जब आप फार्मूले की मदद से ओपन करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 1 बाय x इंटू x माइनस 1 बाय x। इसके लिए आसान है नंबर केस को a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b हमारा फॉर्मूला ओपन फॉर्म जिसके लिए आसान ओपन कर दिया ये किसके इक्वल है यहाँ पे 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27 ये x x यहाँ डिवाइड हो जाएगा यह आएगा आपके पास x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1 ओवर x की जगह इसकी वैल्यू 3 पुट कर दी इक्वल्स टू 27। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 3 3 का 9 इक्वल्स टू 27 ये 9 यहां माइनस है यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब इक्वल्स टू 27 प्लस 9 इन दोनों को ऐड कर लें ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 27 और 9 36 x
की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वैल्यू क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स हैं, इनमें भी आपने q फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में वैल्यू गिवन है आपको 13 नंबर, आपके पास 13 का क्यूब फाइंड करना है आपने। ये तो सिंपल मेथड है, जैसा आपको मैंने पहले बताया कि आप 2 का क्यूब लेते हैं, 2 × 2 × 2 को 8 लिखा जाता है, इसी तरह से 13 का क्यूब आप ले लेना है, 13 को 13 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 13 × 13 × 13 तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह इसको फार्मूले की मदद से करना चाहते हैं तो क्या आंसर आएगा इसका, हमने इसका क्यूब लेना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 13³ हम इसको लिख सकते हैं। अब हम 13 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो हम दो नंबर्स की फॉर्म में अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 10+3। 10+3 क्या होता है, 13 होता है। इसी तरह से और भी बहुत सी कंडीशन है, आप इसकी लिख सकते हैं, आप इसको 20 आप भी लिखा जा सकता है, वो भी 13 बनता है, 8+y भी 13 बनता है, जिस तरह से मर्जी लिख लें। अब अगर आप प्लस फॉर्म में लिख रहे हैं तो प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर माइनस फॉर्म में लिख रहे हैं तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसमें हम देखें तो ये हमारे पास a प्लस b होल क्यूब फॉर्म बन गई, तो ये हमारे पास क्या आएगा, a इक्वल आ जाएगा 10 के और b इक्वल आ जाएगा 3 के। तो इसका जो होल क्यूब इसे ओपन कर लें, ये क्या है फॉर्मूले के ऊपर से, a क्यूब मींस 10 क्यूब प्लस b क्यूब, b क्या है आपके पास 3 क्यूब प्लस फॉर्मूले का 3, a क्या है 10 और b क्या है 3 × a + b 10+3। ठीक है, ये आपके पास आ गई 10 का क्यूब क्या आएगा, यहाँ पे 10 की पावर 3 है, यहाँ जितनी भी पावर हो 10 की आप 1 के आगे उसमें 0 लगा दें। ठीक है, 10 × 10 = 100, 100 × 1000 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर क्यूब क्या आ गया 27, प्लस ये क्या आ गया 3 × 10 = 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है आपके पास 90 को आप मल्टीप्लाई कर दें 10+3 क्या होता है 30, पहले इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड करके आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या आ जाएगा आपके पास 1000 + 27 + 9 = 27 × 70, इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लें 1000, 270 and 27, ये 7 + 2 = 9, 2 आ जाएगा 1297 भी आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास इस एक्सरसाइज में, लास्ट पार्ट में वैल्यू पॉइंट में गिवन है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, इसमें वैल्यू है आपके पास 0.99। ठीक है जी, ये आपको पूछ रहा हूं, कोई मसला नहीं, इसको भी ये इजीली सॉल्व किया जा सकता है। हम इसको क्या किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 - 0.01। 1 में से 0.01 माइनस करेंगे तो ये क्या है आपके पास 0.99। इस तरह से 1 इसके आगे कोई पॉइंट नहीं है तो इसको 0.00 लिख सकते हैं, 0.01 हमने माइनस किया है। यहां से जब आप कह देंगे यहां 10 बन जाएगा, इसे इधर कह देंगे 10 - 1 = 9, यहां पे 9 बच गया था आपके पास, ये 0.99 आता है, तो हम इसको 1 - 0.01 लिख सकते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे 1 - 0.01 का होल क्यूब, माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab × a - b। ठीक है, जो फॉर्मूले की शेप लिख लिया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस ये 0.01 है तो 1 का क्यूब 1 की पावर तो जो भी होगी रहेगा, लेकिन इसमें हमारे पास कितने डिजिट्स होने चाहिए, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो जब हम 1.01 को 0.01 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद टोटल 6 डिजिट्स बनेंगे। तो यहाँ भी हमने पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे 0.00001। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, इसका प्रूफ आएगा -3 × 3 को 0.01 से मल्टीप्लाई करें 0.03 आता है, मल्टीप्लाई 1 में से 0.01
माइनस करें तो आपके पास क्या आता है 0.99। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 1 - 0.000001 माइनस इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.02297। ठीक है जी। अब इसमें से पहले इसको माइनस करें, जो इसका आंसर आता है उसमें से इसको माइनस करें तो आपका आंसर आएगा फाइनल 0.97029। ये इसका आंसर होगा। ये हमारी थी एक्सरसाइज नंबर 6.7 जिसके हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ एंड इलेवंथ पार्ट। फिर उसके बाद हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 6 का 1 और 3 पार्ट। तो जो आपका रिटर्न वर्क है, रिटर्न वर्क क्या होगा, आपने रिटर्न वर्क किसका करना है, एक्सरसाइज नंबर 6.7 इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 1 का करेंगे, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, नाइन, टेन और ट्वेल्थ पार्ट। इसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव और उसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, मींस के जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं वो आपने जो है वो सॉल्व करने हैं। ये आपका रिटर्न वर्क है। अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझना हो तो आप जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। इसको ध्यान से कीजिएगा, सारा काम ये आपने कंप्लीट करना है। जज़ाकअल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।